नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24-48 घंटों का मौसम काल कैसा रहेगा, यानी कि कहां पर बारिश होगी और कहां पर आंधी तूफान आने की। मौसम विभाग ने जो है भयंकर बारिश चेतावनी जारी करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम काल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कहां पर क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम जहाँ पर आप रहते हैं कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कर सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय और दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक सहित इसके आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश होने की आज पूरी कोई संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्सों में, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ ही छींटे पड़ने की आज संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं दोस्तों, बात करेंगे देश भर का मौसम सिस्टम क्या कहता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि आज शाम तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के कुछ हिस्सों में और पूर्व मालदीव सहित लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां जो है अब अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक उत्तर दक्षिणी ट्रफ रेखा है जो उत्तरांतरी कर्नाटक से निचले स्तरों पर कोमोरिन क्षेत्र तक भी फैल चुकी है, जबकि एक पश्चिम विक्षोभ है जो उत्तरी अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। वहीं पूर्व पश्चिमी ट्रफ रेखा है जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए आंतरिक ओडिशा तक फैल चुकी है। वहीं बिहार और आसपास के इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, फटाफट से बात करें कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान आया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बता दिया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर जो है भारी तेज बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान, जबकि शेष पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें जरूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।